आज हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उस शब्द में विशिष्ट अर्थ भर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और एक नया शब्द तैयार हो जाता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि हार शब्द से पहले अगर हम लोगों ने हार है और इस हार शब्द से पहले हमने आ जोड़ दिया, तो आ जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ये आहार बन जाएगा और इसके अर्थ में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। अतः आ एक उपसर्ग है। और ये देखिए, इसमें पहला पद क्या है? आहार में आ जो है पहला पद है और जो है हार सेकेंड पद है। ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? एक नया शब्द में परिणत हो जा रहा है और इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है। हमने सिर्फ आ प्रत्यय जोड़ा और आ उपसर्ग जोड़ा, क्षमा सॉरी, आ जो है हमने क्या किया? उपसर्ग जोड़ा और हार प्रत्यय जोड़ के दोनों को एक साथ बनाया जोड़ के, तो क्या बन गया? ये आहार बन गया, जो कि एक अलग अर्थ देता है। और इस प्रकार से कुछ और उदाहरण लेंगे और उदाहरणों के माध्यम से हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान होता है। आप लोग जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को देखेंगे, शब्द को देखेंगे, जैसे कि ये शब्द है अतिरिक्त, अगर हमें इसका उपसर्ग पता करना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद कर देंगे। और संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जिसका कि एक सकारात्मक अर्थ सामने आए, तभी जाके हम इसका उपसर्ग निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अति है, अति का अर्थ होता है किसी चीज के अधिकता हो जाना, उसे अति कहते हैं। अगर हम किसी का उपसर्ग निकाल लें, अगर हमें उसका अर्थ भी पता रहेगा, तो हम उपसर्गों को और भी अच्छी प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे अति लगता है तो अतिरिक्त किसी चीज की अधिकता हो जाना, इसमें क्या हो गया? अति उपसर्ग हो गया। और ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक अन्य अर्थ की ओर, दोनों के मेल से एक अन्य और अर्थ की ओर क्या हो रहा है? अग्रसर हो रहे हैं। जैसे अति धन क्रमण, तो क्या हो गया? अतिक्रमण। तो उपसर्ग इसमें क्या है? अति है। इसी प्रकार देखिए, अब इस प्रकार के शब्दों को बहुत ही इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा जब डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं, जैसे अत्यंत, अब इसमें आपको इनका जो है संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका जो है आंसर निकाल पाएंगे। जैसे अति धन अंत, तो क्या हो जाएगा? अत्यंत में परिवर्तित हो जाएगा। अति धन आचार अत्याचार। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद ही आप क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए अधि, इसमें अधि दे रखा है। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या आपसे या किसी चीज से ऊपर। ठीक है, जैसे अधिराज अधिपति आध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म अध्यक्ष। ठीक है, सभी सदस्यों में जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार से आध्यात्म मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग, मतलब ऊंचाई पे जाने वाला मार्ग। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अनु दिया हुआ है। अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ या किसी के समान। तो ऐसे में है अनुधन क्रम, अनुक्रम हो जाता है। उपसर्ग इसमें है अनु, अनुधन रूप अनुरूप हो जाता है उपसर्ग अनु, और अनुधनवाद अनुवाद, और अनुज, अनुज में भी क्या होगा? अनु उपसर्ग होगा। अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अप। अप का अर्थ होता है दूर, हीन, अभाव अभाव या विरुद्ध, किसी चीज के विपरीत। जैसे अप धन कीर्ति। अब देख लीजिए, कीर्ति क्या है? एक प्रसिद्ध होना किसी व्यक्ति का, आगे सम्मान बढ़ना, उसका
मान सम्मान बढ़ना, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, अप उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया ये अपकीर्ति में परिवर्तित, मतलब विपरीत अर्थ दे रहा है ये। इसी प्रकार से है अपधन भ्रंश, अपधन भ्रंश अपभ्रंश, जैसे कि बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, नेक्स्ट है अपव्यय, व्यय करना और अपव्यय करना, किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, परंतु अपव्यय मतलब अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं जिसकी क्या है आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अव, अव का अर्थ क्या होता है, हीन अभाव। ठीक है, अवसान, अवसान, अवसान में हमने अव लगा दिया तो क्या बन गया ये अवसान, अवधन स्थिति जो उसकी है अवस्था, तो क्या हो गया उसकी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अवज्ञा, किसी चीज़ का किसी चीज़ को ना मानना, ठीक है, अवहेलना करना। अवधन शेष, अवशेष जो बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आ, अब आ का अर्थ होता है तक और समेत। अब गमन है, गमन के आगे हमने लगा दिया आ उपसर्ग, तो क्या हो गया आगमन, गमन का मतलब जाने वाला, आगमन मतलब किसी का आना हुआ, जैसे आकर्षण, किसी का आकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आ जन्म, ठीक है, जन्म की हमने क्या लगा दिया आगे आ लगा दिया, तो क्या बन गया आ जन्म। अब क्रोश के आगे लगा दिया आ तो हो गया आक्रोश। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के उपसर्गों को आप इजीली तब फाइंड आउट कर पाएंगे जबकि आप अच्छे प्रकार से संधि विच्छेद के रूल को समझ लेंगे। आज के वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में भी इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।